कौन सी किडनी खराब होने से क्रिएटिनिन लेवल बढ़ता है? एक किडनी पहले खराब होती है और जब पूरी तरीके से खराब हो जाती है उसके बाद ही दूसरी किडनी खराब होना शुरू होती है। दोनों किडनी एक साथ ही खराब होना शुरू होती है। कौन सी किडनी खराब होने से क्रिएटिनिन लेवल बढ़ता है, राइट, लेफ्ट या दोनों, और इससे रिलेटेड क्या क्या समस्या आती हैं? बहुत सी बार मरीज के मन में इस तरह के प्रश्न होते हैं, तो आज इन सभी का आपको उत्तर देंगे। कई बार पेशेंट मुझसे जब ओपीडी में मिलते हैं तो उनकी कौन सी किडनी कम काम कर रही है, तो किडनी खराब होने के कई कारण होते हैं। उनमें से कुछ कारण है, एक किडनी पहले खराब होती है और जब पूरी तरीके से खराब हो जाती है उसके बाद ही दूसरी किडनी खराब होना शुरू होती है। और यह कारण जैसे कि किडनी में स्टोन होना या इन्फेक्शन का हो जाना, और वह इन्फेक्शन जो है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है, वायरल भी हो सकता है और फंगल भी हो सकता है, या कभी कभी किडनी में ट्यूमर भी डेवलप हो जाता है। इससे अक्सर बीमारी पहले एक किडनी में आती है, बाद में जब उसका इलाज ना हो पाए तो उसे इलाज ना मिल पाए या उसे सही टाइम पे डायग्नोसिस ना हो पाए तब वह बीमारी दूसरी किडनी भी उसके कारणवश फेल हो जाती है। और जब और दूसरी और कुछ कारण ऐसे होते हैं जिससे दोनों किडनी एक साथ ही खराब होना शुरू होती है, जैसे कि डायबिटीज, ब्लड प्रेशर या पेन किलर जैसी दवाइयों की बहुत ज्यादा सेवन करना। इसके अलावा कुछ बीमारियां जैसे कि ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस या वैस्कुलाइटिस के डायग्नोसिस होने पर भी दोनों किडनी को इकट्ठा ही खराब कर देती है। दोनों भगवान ने तो हमें वैसे दो किडनी दी हैं, दोनों किडनी में से एक किडनी ही वैसे काफी होती है, दूसरी जो है वो एक बैकअप के तौर पर दी गई है। लेकिन आंकड़े यह कहते हैं कि हर 1500 लोगों में से कम एक व्यक्ति की करीब एक ही किडनी होती है। इसका मतलब यह है कि वह एक किडनी के साथ ही पैदा हुआ लेकिन उसे अपनी पूरी लाइफ लॉन्ग इस बात का पता ही नहीं चल पाता और वह अपनी बहुत ही नॉर्मल तरीके से जिंदगी बिताता है। उसको पता भी तब लगता है जब उसको किसी तरह की किडनी की बीमारी हो जाए या उसने किसी डायग्नोसिस के लिए अल्ट्रासाउंड कराया या और तरह का कोई टेस्ट कराया हो, तभी उसे जानकारी मिल पाती है कि उस इंसान की तो जन्म से ही एक ही किडनी है। लेकिन कई बार बीमारी के कारण भी किडनी खराब हो सकती है, और आज हम यह बात करेंगे कि हमारी कौन सी किडनी खराब है या दोनों किडनी खराब है जो पेशेंट्स होते हैं, या इसका कैसे पता लगाएं। तो यह समझने के लिए हमारी किडनी कैसे काम करती है आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप ध्यान दें, इस वीडियो को देखिए और किडनी की फंक्शनिंग को समझें। मेनली तो यह है कि दो प्रिंसिपल्स पर काम करती है। पहला है कि किडनी कितना काम कर रही है, उसका फंक्शन हमें उसके सीरम क्रिएटिनिन से भी पता लग जाता है, एस्टिमेटेड फंक्शन। और दूसरा हम जो कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट यानी कि GFR निकालते हैं, उससे भी हमें पता चलता है कि हमारी किडनी कितना काम कर रही है। अब दूसरी किडनी का काम होता है, दूसरा काम होता है यूरिन को बनाना। सबसे पहले जो बीमारी हमें पता चलती है किडनी की, वो हमें यूरिन के थ्रू ही पता लगता है। यूरिन में हम देखते हैं कि ब्लड सेल्स कितने निकल रहे हैं, प्रोटीन कितने निकल रहे हैं, पस सेल कितने निकल रहे हैं, इन सबको देख कर हमें पता लग जाता है कि हमारी किडनी में कोई बीमारी है या नहीं। सबसे पहले हमें सीरम क्रिएटिनिन और सीरम किडनी फंक्शन के बीच में जो रिश्ता है उसका एक ग्राफ के थ्रू समझने की कोशिश करनी होगी। एक नॉर्मल किडनी का फंक्शन होता है 60 ml पर मिनट और दूसरी किडनी का भी इसी तरीके से फंक्शन होता है, मतलब कि वह भी 60 ml पर मिनट पर अपना फिल्ट्रेशन कर रही होती है। तो दोनों किडनी का टोटल मिलाकर हो गया 120 ml पर मिनट। तो अगर किसी व्यक्ति की किडनी का फंक्शन 120 ml पर मिनट है, इसका मतलब उसकी किडनी 100% काम कर रही है। और अगर किसी की किडनी का फंक्शन 60 ml पर मिनट है, यानी कि उसका आधा हो गया है, तो इसका मतलब यह है कि हमारी किडनी सिर्फ 50% ही काम कर रही है। और अगर यह किडनी का फंक्शन 30 ml पर मिनट पर गिर जाए, तो इसका मतलब यह है कि किडनी सिर्फ 25% ही काम कर रही है। तो देखने वाली बात यह है कि जब किडनी 100% काम कर रही होती है, यानी कि नॉर्मल होती है, तो सीरम क्रिएटिनिन भी नॉर्मल होता है, नॉर्मल रेंज यानी कि 1 mg/dL के आसपास होता है। और जैसे जैसे हमारी किडनी का फंक्शन कम
करती रहती है, और आप यह देखेंगे कि शुरू के 30% में यानी 100 में से 70 में सीरम क्रिएटिनिन सेम रहता है, उसमें कोई बदलाव नहीं आता। फिर जब यह 50% तक गिर जाता है, यानी कि किडनी सिर्फ आधा ही काम कर रही होती है, तब हमारा क्रिएटिनिन थोड़ा सा बढ़ता है, यानी कि 1.2 से 1.3 mg पर DL रहता है, जो कि नॉर्मल रेंज ही मानी जाती है। अब अगर हमारे किडनी का फंक्शन और नीचे गिरता है, तो धीरे धीरे करके आप देखेंगे शुरुआती तौर पर किडनी का क्रिएटिनिन जो होता है वह धीरे धीरे बढ़ता है, और यह क्रम 50 से 20% तक रहता है। 50% में से 20% तक क्रिएटिनिन 1.5 से 3.5 ही बढ़ता है, और जब 20% से किडनी कम काम करने लगती है, तो इस ग्राफ का स्लोप बहुत स्टीप हो जाता है। यानी कि अगर आप देखें तो 5% किडनी का फंक्शन भी लॉस होता है, तो सीरम क्रिएटिनिन 3.5 से 6.5 तक पहुंच जाता है, और अगर 5% किडनी फंक्शन लॉस हो तो 10 तक क्रिएटिनिन पहुंच जाता है। तो हमने इस ग्राफ में देखा कि शुरुआती 100 से 50% में सीरम क्रिएटिनिन लगभग नॉर्मल रेंज में ही रहता है, 50% से जब किडनी 20% तक काम करती है, तो उसके बढ़ने की गति बहुत धीमी होती है, और क्रिएटिनिन करीब 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 3.5 mg पर DL तक ही रहता है। पर उसके बाद हमारा सीरम क्रिएटिनिन बहुत तेजी से बढ़ता है। अब हमें पता चल चुका है कि अगर हमारी किडनी 50% पर और दूसरी किडनी 50% है, तो टोटल 100% काम कर रही है। तो एक किडनी अगर खराब भी हो गई तो पूरी तरीके से तब भी सीरम क्रिएटिनिन नॉर्मल रेंज में ही दिखेगा। उसका दूसरा मतलब यह भी निकाला जा सकता है कि अगर सीरम क्रिएटिनिन 1.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज्यादा हो गया, तो किडनी का फंक्शन 50% से ज्यादा खराब है, यानी कि दोनों किडनी पर असर आ चुका है। इसका मतलब सीरम क्रिएटिनिन अगर हमारा 1.2 से ज्यादा है, तो दोनों किडनी खराब है। अब जैसे मैंने बताया कि आपको स्टोन से या इन्फेक्शन से या ट्यूमर से पहले एक ही किडनी खराब होती है, तो अक्सर वो किडनी तक ही बीमारी सीमित रहती है, और किडनी का फंक्शन 100% से 50% के बीच में जाकर कहीं रुक जाता है। इसलिए सीरम क्रिएटिनिन से हम इस बीमारी को नहीं पकड़ सकते। इसके लिए हमें अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन या रीनल स्कैन, DTPA या अन्य टेस्ट करवाना पड़ता है। उसमें भी पता चलता है कि ब्लड टेस्ट या यूरिन टेस्ट कि पेशेंट की किडनी कितना काम कर रही है, या उसे कोई बीमारी है भी या नहीं, ये भी जानना बहुत जरूरी है। दूसरी तरफ डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और दवाइयाँ या सिस्टमिक इलनेस जैसी कि वास्कुलाइटिस या ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के कारण दोनों किडनी एक साथ खराब होना शुरू हो जाती हैं। और अगर आप ध्यान से देखें तो आप मानेंगे कि किसी किसी की किडनी अब 90% पर काम कर रही है, यानी कि 10% किडनी खराब हो चुकी है, तो दोनों किडनी बराबर फंक्शन लॉस करते हैं, पहली किडनी से ही 5% और दूसरी से भी 5%, जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया गया है। कि फिर अगर हमारी किडनी का 20% फंक्शन गिर गया है, तो एक किडनी में 10% और दूसरी में भी 10% खराब होता है, और अगर 50% हमारा फंक्शन गिर गया है, तो उसका मतलब है एक किडनी में 25% खराब है और दूसरी किडनी भी 25% खराब है। इस 50% गिरने का मतलब इन बीमारियों में यह नहीं होता कि एक किडनी पहले खराब हुई और फिर दूसरी जो है उसमें दूसरी खराब होना शुरू हुई, दोनों बराबर खराब होती हैं। और जब हमारी किडनी का फंक्शन 50% से ज्यादा गिरने लगता है, तो हमारा किडनी पर दोनों किडनी पर बराबर असर आता है, और इसके बीच जब अब क्रिएटिनिन भी बढ़ना शुरू हो जाता है, और क्रिएटिनिन 1.2 पर mg पर DL से बढ़ता है, बॉडी में सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं जैसे जैसे किडनी का फंक्शन ज्यादा गिरता रहता है, और कम होता जाएगा वैसे वैसे ही सिम्टम्स आने शुरू हो जाएंगे। तो इन सब को देखने पर यह समझ आता है कि सिर्फ सीरम क्रिएटिनिन को नाप कर हम यह पता नहीं लगा सकते कि दोनों किडनी खराब है या फिर एक ही किडनी खराब है। इसके लिए हमें एक और टेस्ट करवाने की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें कि यूरिन रूटीन जांच बहुत ज्यादा हेल्प करती है, और हम सभी को साल में एक बार
हेल्थ चेकअप करवा लेना चाहिए, जिसमें यूरिन की रूटीन जांच होनी चाहिए। और जो हाई रिस्क केसेस हैं, जैसे कि किसी को अगर शुगर है, बीपी है, या उन्हें बहुत सारे पेन किलर्स का सेवन किया हुआ है, या उनकी फैमिली में कोई किडनी प्रॉब्लम की हिस्ट्री है, तो उस केस में हमें उसे स्पॉट यूरिन, एल्ब्यूमिन टू क्रिएटिनिन रेशियो, या 24 घंटे में यूरिन के प्रोटीन की जांच करवानी चाहिए। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से अगर कोई मैसेज देना चाहूँ तो मैं यही कहूँगा, जो मरीज डायलिसिस में आते हैं वह ज़्यादातर मरीज डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर के होते हैं। तो अगर हम 100 मरीजों में सैंपल लेते हैं तो 100 में से 90 लोगों को शुगर या ब्लड प्रेशर होता है, बाकी 10% केस ऐसे होते हैं जिनको किडनी स्टोन या इन्फेक्शन या ट्यूमर या अन्य किसी कारण से प्रॉब्लम आती है। तो ज्यादातर केसेस में जो किडनी खराब होना शुरू होती है वह दोनों किडनी एक साथ खराब होना शुरू होती है, और जब तक किडनी का फंक्शन 50% तक ना गिर जाए तब तक ज्यादातर लोगों को, इवन कुछ केसेस में तो डॉक्टर्स को भी नहीं पता चलता कि किडनी खराब हो गई है, क्योंकि क्रिएटिनिन तब तक नॉर्मल रहता है जब तक कि यूरिन की जांच उसमें साबित। तो हमें समय रहते यूरिन को मॉनिटर करके उसकी जांच करवानी चाहिए। आपके इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी प्रश्न है या किडनी से रिलेटेड कोई भी समस्या है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर आप अपने कमेंट छोड़ सकते हैं और बता सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो आप किस पर चाहते हैं। नमस्कार।